दोस्तों, अगर आप भी अश्विन और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टेस्ट मैच के चौथे दिन अक्षर पटेल के साथ मिल अश्विन ने घातक गेंदबाजी कर इंग्लैंड टीम की तोड़ी कमर। लिख दी टीम इंडिया की जीत की कहानी तो ये देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान बेन स्टोक्स भी फूट फूट कर रोने लगे। उनका तो गुस्सा ही फूट पड़ा और फिर उन्होंने टीम इंडिया की गेंदबाजी पर बयान देते हुए जो कह दिया उसे सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर कैसे अश्विन ने पलट दिया मैच का पूरा रुख और खत्म कर दिया 4 दिनों में ही ये टेस्ट मैच। क्या कुछ बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया पर उगला जहर, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेन स्टोक्स और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चौथे दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 323 रन की दरकार थी। शुरू में उतरते क्रॉली के साथ मिलकर रेहान अहमद ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उसका नतीजा हुआ कि देखते देखते इंग्लैंड का लक्ष्य केवल 300 रनों का रह गया। अब भारतीय टीम की हालत खराब लग रही थी, आखिर हो भी क्यों ना, चौथे दिन इंग्लैंड जीत का सपना सजाकर उतरी थी। लेकिन तभी रोहित ने अक्षर पटेल को समझाया, उनसे बातचीत की और फिर ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया कि जिसने तो पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। जी हां, कप्तान रोहित की बात मानकर अक्षर पटेल ने भी उसी हिसाब से गेंदबाजी की जैसा रोहित ने कहा था और उसका नतीजा ये हुआ कि 5वीं ही गेंद पर अक्षर पटेल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया। अक्षर ने अपनी जादुई फिरकी से अहमद को LBW किया, एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई और टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता हासिल हो गई, जहाँ रेहान अहमद 23 रन बनाकर वापस लौटे। कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल के बाद गेंद अश्विन को थमाई। 29वां ओवर फेंकने आए अश्विन ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑलीपॉप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया। यहां तक कि अश्विन ने 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर तो जो रूट का भी बहुत जल्द शिकार कर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। नतीजा हुआ कि 154 रन पर इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवा दिए और टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीतने की तरफ बढ़ चली, वो भी कप्तान रोहित की समझदारी की वजह से। भारतीय टीम को बेहतरीन गेंदबाजी देखने लगने लगा कि ये मैच कुछ ही घंटे में समाप्त होने वाला है। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी टीम इंडिया के प्रदर्शन पर खुशी से झूम रहे थे, भारतीय खेमा भी मुस्कुरा रहा था। वहीं हर एक के हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की आंखें नम हो गईं और फिर उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए अब हम आपको बेन स्टोक्स के बयान को सुनाते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में भारत की बेहतरीन गेंदबाजी देखकर बेन स्टोक्स ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, हमारे बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनकी गेंदबाजी लाइन अब बेहद खतरनाक है, लेकिन हमारे बल्लेबाज अभी भी मैदान पर डटकर सामना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतेंगे, अंत तक लड़ेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। जैसे हम लोगों ने पहला टेस्ट मुकाबला लड़कर जीता था, उसी अंदाज में हम इस टेस्ट मैच को भी खत्म करेंगे। हमें अपने बल्लेबाजी पर पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मैच के दौरान ही भारतीय टीम की गेंदबाजी देखकर बेन स्टोक्स ने बयान दे दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन कौन सा भारतीय बल्लेबाज 5 विकेट लेगा, बुमराह, अश्विन या फिर अक्षर पटेल? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन और शुभमन गिल के बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने बयान जारी कर दिया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर आज शुभमन गिल बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को इस मैच के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से सिर्फ इसी खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी मजबूत स्थिति में ले जाने का कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शुभमन गिल के अलावा अगर रविचंद्रन अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को नहीं मिलती तो शायद भारतीय टीम जीत की दहलीज पर नहीं पहुंचती। ऐसे में दोनों के प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं। तो वहीं AB डिविलियर्स के बयान देते हुए उसने कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को मजबूती दिलाने का कार्य किया है। इस मैच के अंदर यशस्वी जायसवाल के अलावा सिर्फ शुभमन गिल ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टीम को मजबूती दिलाई है। हालांकि इस बल्लेबाज की काबिलियत पर कभी भी किसी को शक नहीं था, लेकिन इसका फॉर्म वास्तव में चिंताजनक था, लेकिन अब इन्होंने सभी को प्रभावित कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से अगर यह खिलाड़ी आगे भी बेहतर प्रदर्शन करता है तो यह सीरीज भारत के नाम होने की संभावना है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है, साथ में रविचंद्रन अश्विन की भी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है।
है। अगर ये दोनों खिलाड़ी तीसरे दिन के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करते तो शायद भारत दिक्कत में आ सकता था। ऐसे में उनसे बेहतर प्रदर्शन को देखते मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रविचंद्रन अश्विन अगर चौथे दिन के अंदर भी इसी तरीके से बेहतर गेंदबाजी करते हैं तो भारतीय टीम इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन अगर उनका बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है तो भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय टीम की गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन से बेहतर गेंदबाज कोई भी नहीं है। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल का बेहतरीन प्रदर्शन इस मैच के अंदर नहीं किया और मुख्य समय पर टीम को मजबूती नहीं दिलाता तो शायद भारतीय टीम इस मैच के अंदर पीछे हो जाती। ऐसे में इस खिलाड़ी को काफी समय तक याद किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं और इन सभी खिलाड़ियों के दम पर भारतीय टीम चौथे दिन के अंदर इंग्लैंड की टीम को ऊपर दबाव पैदा कर सकती है और इंग्लैंड की टीम को चौथे दिन के अंदर बुरी तरीके से हरा भी सकती है। ऐसे में अब इंग्लैंड की टीम हमसे हार के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम को शानदार जीत मिल गई है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम को कैसे जीत मिली, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस मैच के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन महान बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा की आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल के 209 और शुभमन गिल के 34 रनों के दम पर 112 ओवर में दूसरे दिन पहले सत्र के अंदर 396 रन ऑल आउट होकर बना दिए थे। और उसका पीछा करने के लिए जैसे इंग्लैंड की टीम मैदान पर आई तो दूसरे दिन अंतिम सत्र की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम 253 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मैच के अंदर 143 रनों से पीछे रहेगी। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम के सामने भारतीय टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए आई तो तीसरे दिन अंतिम सत्र के दौरान भारतीय टीम ने 255 रन ऑल आउट होकर बनाए थे और 398 रनों की लीड हासिल की, साथ ही में 399 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को दे दिया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने दूसरी पारी के अंदर 104 रनों का योगदान दिया, तो वहीं टॉम हार्टली ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। इसके अलावा रेहान अहमद को भी 3 विकेट मिले। हालांकि 399 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की टीम जैसे ही मैदान पर आई तो इंग्लैंड की तरफ से जैक क्राउली और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान तीसरे दिन की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 1 विकेट भी नहीं हासिल किया और ऐसे में जिस तरीके से शानदार गेंदबाजी भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों की देखने को मिल रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम को दबाव में जरूर डालते हुए चौथे दिन 399 रनों के लक्ष्य को हासिल करने से रोकेगी और 250 रनों के अंदर ऑल आउट करने का प्रयास करेगी और इस मैच को चौथे दिन जरूर अपने नाम करती दिखाई देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम चौथे दिन इस मैच को अपने नाम कर पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 246 रनों पर सिमट गई और टीम इंडिया बल्लेबाजी में आ चुकी थी और यशस्वी और रोहित ने मिलकर 5 ओवर में ही 28 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया की लीड 171 रनों की हो चुकी थी। अब इस रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर रोहित और यशस्वी अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़े थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज, जिन्हें जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी। रोहित शर्मा की खराब फॉर्म एक बार फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती है, जहां केवल दिन के दूसरे ही ओवर में जेमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और रोहित को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मातम ला दिया था, जहां भारतीय कप्तान केवल 13 रन बनाकर पवेलियन चले गए और टीम इंडिया को बहुत जल्दी पहला झटका लग गया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल कदम रख चुके थे। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सबसे बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया। एंडरसन की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और जो रूट ने कोई गलती नहीं की, जहां यशस्वी केवल 17 रन बनाकर पवेलियन गए और अपने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर एंडरसन ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। पूरा हिंदुस्तान निराश था, क्योंकि इंग्लैंड ने सुबह सुबह ही तगड़ा पलटवार कर दिखाया था। नंबर 4 के पैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 34 रन बनाए थे, जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। दोनों के खिलाफ कई ऐसी गेंदें सामने आई जिसमें ये दोनों ऑल आउट होने से बाल बाल बचे थे। हालांकि अच्छी बात ये थी कि दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने डटकर बल्लेबाजी करने की शुरुआत की। गिल ने भी आक्रामक अंदाज को अपनाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को मुंह तोड़
छोड़ जवाब दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की आखिरी गेंद पर गिल ने 2 कदम आगे निकाले और उस गेंद को ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा स्टेडियम की छत पर लगभग जाकर गिरी थी। उनका वो ताबड़तोड़ 100 मीटर का छक्का देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी चौका लगाकर आक्रामक अंदाज को अपनाना शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 75 रन बना लिए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 218 रनों की लीड हासिल कर ली थी। हालांकि श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक उनका साथ निभा नहीं पाए। टॉम हार्टले ने इस बल्लेबाज का शिकार किया जहां अय्यर 52 गेंदों पर 2 चौके की बदौलत केवल 29 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद पाटीदार गिल का साथ निभाने के लिए आए थे, लेकिन गरीबी में आटा गीला ये बल्लेबाज भी केवल 9 रन बनाकर रेहान अहमद के फिरकी में फंस जाता है। उनके रूप में टीम इंडिया को चौथा झटका लग गया।